क्या तुम ड्रैगन फ्लाइज को देख रहे हो ना? वाओ, वो कमाल के हैं ना ड्रैगन? सच में कमाल के मकौड़े हैं। वो 100 किलोमीटर आर की स्पीड से उड़ते हैं। वाओ, और वो है ड्रैगन फ्लाइज, बिल्कुल मेरी तरह। आहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कैसे हो बग्स? मैं हूँ स्काई किंग रॉकी, और मेरे साथ एक डैमसलफ्लाई है रॉक्सी, ये स्काई क्वीन है। हम दोनों हैं फ्लाइंग एसेस, और ये है हमारे नन्हे फ्लाइंग एसेस जो अभी अभी रॉकी और रॉक्सी के लिटिल एसेस फ्लाइंग स्कूल से निकले हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तुम्हें हमारा शो तो पसंद आया ना? अब ये बताओ कि क्या तुम में से कोई और भी उड़ना चाहता है? तो चलो मैं करवाता हूँ तुम्हें आसमान। मैं तो आसमान नहीं जाने वाला, मैं तो आसमान नहीं जाने वाला। एक बार में दो बग्स जाएंगे। बढ़िया। पिछली बार गया था तब उन्होंने 3 लूप्स किए थे, बहुत मजा आया। ये। तुम तो थक गए हो ड्रैगन। 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड बहुत होती है डैड। क्या हम भी राइड के लिए जा सकते हैं प्लीज? अब कल जाना। मैं थोड़ी देर और रुक सकता हूँ? मैं स्काई किंग से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं भी। अब तक तुम स्काई किंग से मिले नहीं हो? बस थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो, बाद में खाना खाने आ जाना। थैंक्स मॉम। हाँ तो अब चलती हूँ, बाकी सब मेरे साथ घर चलो। अरे सबके फ्लाइंग इक्विपमेंट्स ठीक है ना? एक एस अपने विंग गियर को हमेशा फिट रखता है। कैसे हो बच्चों, आ जाओ ना। हाय स्काई किंग। अपने दोस्त से कहो कि यहाँ आकर उड़े। वो तो ड्रैगन है, वो भी एस बनना चाहता है तुम सब की तरह ही। तुमने सही कहा ड्रैगन। वाओ, तुम तो सच में कमाल के हो रॉकी। अच्छा एक बात कहूँ, आज दोपहर को हम उड़ने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ उड़ने चलो ना। सच कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ उड़ सकता हूँ? मुझे मॉम और डैड से पूछना पड़ेगा। उन्हें भी अपने साथ ले आना, हम सब ड्रैगन फ्लाइज ही है ना? ठीक है, हम सब आसमान के राजा और रानी हैं। मोमो डैड स्काई किंग और स्काई क्वीन। ड्रैगन लंच। वो तुम्हारी मॉम है? मेरी मॉम है, लेकिन वो तो स्पाइडर है। हाँ, स्पाइडर है, और मेरी मॉम सबसे अच्छी है। हाय, मैं हूँ मिस स्पाइडर। तुमसे मिलकर खुशी हुई मिस स्पाइडर। तो क्या तुम भी सैर करने चलोगी? Aces!
ड्रैगन फ्लाइज बने ही हैं उड़ने के लिए। हम सब उड़ने में माहिर हैं। हम आगे उड़ सकते हैं, पीछे भी, ऊपर भी और नीचे भी, और हम तेज भी उड़ सकते हैं। मैं तुम्हारी तरह तो नहीं कर सकता। अभी तुम पूरी तरह से नहीं सीखे, चलो मेरे साथ। एक बात बताना, आखिर एक स्पाइडर फैमिली में ये बेड बग और ड्रैगन फ्लाई कहाँ से आ गए? हमारी फैमिली आम बग फैमिली नहीं है, है ना बग्स? पहले मेरी भी एक ड्रैगन फैमिली थी, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया। मैं डाइव करना चाहता था, पर मैं तालाब में गिर गया। पंख बहुत कमजोर है। एक वाटर बग ने मुझे बचाया। मैंने अपनी फैमिली को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मुझे बाउंस मिल गया। मैं भी एक यतीम था। फिर हम बन गए एक दूसरे के सच्चे दोस्त। मिस स्पाइडर और हॉली ने हमें अपना लिया। अब वही हमारे मॉम और डैड हैं। और ये है हमारे बच्चे। हमारी फैमिली बहुत खुशहाल है। चलो अब घर चलते हैं। हम सबको उड़ाने के लिए थैंक्स। हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक्स रॉकी, थैंक्स रॉक्सी। एक बात याद रखना ड्रैगन, तुम खूब प्रैक्टिस करो, एक दिन तुम भी बहुत अच्छी तरह उड़ने लगोगे। हाँ। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, एक दिन तुम भी हमारे मिनी फ्लाइंग एसेस में आ सकते हो। तुम मुझे मिनी एसेस में शामिल करोगे? हम तो हमेशा तुम्हारे जैसे छोटे छोटे एसेस को ढूंढते रहते हैं। चलो ड्रैगन, देर हो रही है। वाओ, बाय। रॉकी और रॉक्सी का जवाब नहीं। तुम भी तो अपने आप में एस हो। और अच्छा बन सकता हूँ अगर कोई ड्रैगन फ्लाई ट्रेनिंग दे। दर्द हो रहा है। ड्रैगन, कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो? हाँ, बस मेरे पंख गीले हो गए हैं। आ जाओ। काश मैं भी मिनी एसेस की तरह डाइव लगा पाता। काश मैं तुम्हें सिखा पाती ड्रैगन, लेकिन मैं ड्रैगन फ्लाई नहीं हूँ ना। कोई बात नहीं मॉम, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हाँ मॉम। अगर मुझे एसेस के साथ उड़ना है तो पहले मुझे अपने विंग गियर को ठीक रखना होगा। एक एस हमेशा अपने विंग गियर को दुरुस्त रखता है। क्या तुम एसेस के साथ उड़ने वाले हो? पहले मैं मॉम और डैड से पूछूंगा, उसके बाद तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझे बेस्ट ड्रैगन फ्लाई बनने का बहुत अच्छा मौका मिला है बाउंस। लेकिन मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त रहोगे जिंदगी भर। अब तुम सो जाओ ड्रैगन। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ डैड। क्या बात है बेटे? रॉकी और रॉक्सी कह रहे थे कि मैं भी मिनी फ्लाइंग एस बन सकता हूँ। मैं भी उनके स्कूल में जाकर सीखना चाहता हूँ। नहीं ड्रैगन, अभी बिल्कुल नहीं। देखो मैं जानती हूँ कि तुम फ्लाइंग एसेस के साथ उड़ना चाहते हो और ये जरूर होगा, लेकिन अभी तुम इसके लायक नहीं हुए। फिलहाल तो तुम हमारी फैमिली के एक सदस्य हो, तुम अभी इतने छोटे होके उड़ नहीं सकते। तुम बाद में उड़ने लायक हो जाओगे ड्रैगन। बाउंस परेशान क्यों है? ड्रैगन अब एसेस के साथ उड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं चाहता तो हूँ। तुम उनके साथ क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मैं एक ड्रैगन फ्लाई हूँ, मैं उनके ही जैसा हूँ। लेकिन तुम हमारे जैसे भी तो हो। हाँ, हम नहीं चाहते तुम जाओ। तुम हमारे बड़े भाई हो। मुझे भी तुम सबसे प्यार है। ड्रैगन कहाँ गया? वो तो एसेस के साथ उड़ गया है। अरे नहीं, हॉली उड़ने जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना ही होगा। हॉली वो तो प्रैक्टिस कर रहा है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वाव, उसे देखो ना जरा, अब वो उड़ना सीख गया है हनी। ड्रैगन ने सही कहा था, हम बहुत सी चीजें उसे नहीं सिखा सकते। हॉली, जानती हूँ कि वो हमारा बच्चा है, लेकिन उसे अपने दिल की भी सुननी है। वो असल में है तो ड्रैगन फ्लाई ही। मैं जानता था ये दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा था। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, किसी को नहीं भूल सकता।
तुम अपना ध्यान रखना। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। ड्रैगन फ्लाई गारंटी। मॉम, आई लव यू ड्रैगन। ये मत भूलना कि तुम हम में से एक हो। आई लव यू टू मॉम। ड्रैगन तो अब उड़ने के लिए तैयार? हाँ। गुड बाय। बाय ड्रैगन, तुम्हारी याद आएगी, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। बाय। हे, हाँ? ड्रैगन, 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 ड्रैगन। अरे नहीं, वो चकराने वाला है। सोच रहे हो ड्रैगन? हाँ, यही कि मैं एसिस के साथ बाद में कभी उड़ूंगा। तुम सबको थैंक्स। तुम प्रैक्टिस करते रहो, अगली बार हमारे शो में जरूर आओगे। मैं अब रोज प्रैक्टिस करूँगा, वादा करता हूँ। ड्रैगन्स हो। ड्रैगन, तुम आखिर क्यों नहीं गए? मैं भले ही ड्रैगन फ्लाई हूँ, लेकिन मेरी एक फैमिली भी है। मैं अब किसी और दिन उड़ने जाऊँगा। मैं भी ड्रैगन। देखो बाउंस आउरे। बाउंस, मैं ठीक हूँ। मुझे पूरे साल में सबसे ज्यादा पसंद है। सब मत खा लेना। ओ, अभी तो ढेर सारा लेकिन है। हमें तभी मिलेगा जब ब्लू जे चला जाएगा। डैड कह रहे थे कि 5 साल बाद इतना अच्छा हनीसकल हार्वेस्ट आया है। पापा रे। हाय। हाय। तुम तो बहुत सुंदर हो। और छोटी भी। तुम्हारी मॉम कहाँ है? मम्मी बाय बाय। वो कहीं चली गयी। चुप जाओ। चलो हम यहाँ से चलते हैं। हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, कोई चिड़िया इसे खा जाएगी। भाग चलो। मॉम, डैड। देखो हमने इसे ब्लू जे से बचा लिया। ओह, देखो कितनी सुंदर प्यारी बग है। हेलो नन्ही कैटरपिलर। अरे वाह, क्या बात है, और बहुत जल्दी बड़ी सी तितली बन जाएगी। ये एक दिन तितली बन जाएगी। वाव। जब ये बड़ी और शक्तिशाली हो जाएगी तब बनेगी एक क्रिसलिस। क्रिसमस? लेकिन वो तो बहुत दूर है। नहीं, क्रिसमस नहीं, क्रिसलिस। ये एक छोटे से स्लिपिंग बैग जैसा होता है। तितली बनने से पहले ये उसी में कुछ दिन रहेगी। हे, मेरी कुकी। कुकी, कुकी। हम तुम्हारा नाम भी कुकी रखते हैं। कुकी, कुकी। सुनो, अब तुम सभी कुकी को ले जाकर मिडो में रख आओ, उसे भी भूख लगी क्या होगी। ये यहाँ नहीं रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती स्क्वाट। मोनार्क कैटरपिलर को ढेर सारा खाना खाना पड़ता है, समझ गए? बिल्कुल सही, कुकी को वहाँ रहना चाहिए जहाँ तितली बनने से पहले मिल्कवीड मिल सके। लेकिन मॉम, कुकी तो अभी बहुत छोटी है, मैडो का ब्लू जे इसे खा जाएगा। क्या हम इसे तब तक नहीं रख सकते जब तक क्रिसलिस नहीं निकल जाती? किसी कैटरपिलर को पालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब है ना मॉम, कुकी को हमारी जरूरत है। उसे अपनी फैमिली के पास रहना चाहिए शिमा। पर ये तो यतीम है। यतीम है? इसके मम्मी या डैडी कोई नहीं है क्या? बेचारी बग, इसे कुछ दिन यहीं रख ले होली, जल्दी ये बड़ी हो जाएगी। किसी कैटरपिलर को तितली बनते देखना तो एक बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। ओह होली। ओह हनी, हमारे बच्चे उसकी देखभाल कर लेंगे। घबराइए मत, हम कर लेंगे। हे, यम्मी, और और।
क्या बात है? कुकी शायद कहीं चली गई। चलो उसे ढूंढते हैं। इतनी जल्दी जाग गए? अरे नहीं, कुकी ने किकी के पैर खा लिए। उसने मेरा ब्लैंकेट भी खा लिया। सॉरी ड्रैगन। कुकी ने मेरे स्लीपर खाए, पूरे 8। ऐसा लगता है कुकी यहाँ पर थी, लेकिन अब वो कहाँ है? वो कितनी बड़ी हो गई है। कुकी अब बच्ची नहीं रही, वो अब बड़ी हो रही है। उसकी भूख भी बड़ों जैसी हो रही है। मुझे माफ कर दो, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए थी। क्या तुम्हें पता है वो अपने वजन जितना खाना खा सकती है? ओ, इतना खाना तो बहुत ज्यादा है। और खाना, और। तुम जाकर मिल्कवीड ले आना और अपने कुकी के लिए ढेर सारा लाना। कुकी को दो मिल्कवीड। कुकी तो खूब खाती है। हाँ, वो भी 8 हाथों से। ये लो, तुम्हारा खाना आ गया। एक नन्ही कैटरपिलर इतनी मेहनत कैसे करती है? हम तो कई दिनों के लिए मिल्कवीड ले आए। गुडी गुडी गुड, और मिल्कवीड दो ना। नहीं। हे सुनो, हम अब खेलने जा रहे हैं। तुम भी चलोगे? तुम भी चलोगे? हाँ, चलो ना। रुको स्क्वर्ट, कुकी को और खाना चाहिए। और तुम तो उसे सुबह से ही खिला रही हो, उसे अब यही छोड़ दो। इसे जितना खाना होगा खुद खा लेगी। हम इसे यहीं छोड़कर चले क्या? हमने कहा था हम देखभाल करेंगे। इसकी देखभाल में इतनी मेहनत होगी ये तो सोचा ही नहीं था। चलो यहाँ से चलते हैं। आ जाओ कुकी, हम सब अब कोजी होल में चलते हैं। तो बड़ी तेजी से बढ़ रही हो। मॉर्निंग स्कॉट, मॉर्निंग शिमर। मैं इतनी थक गई हूँ कि अपना एंटीना तक नहीं उठा पा रही। मैंने सोचा था कि तुम्हें नाश्ता दे दूँ। ठीक है, लेकिन उसके पहले मुझे अपने इस टाइट स्किन से निकलने दो। ठीक है। ओह, मुझे तो इतनी भूख लगी है कि पूरा अखरोट खा जाऊं। यू याक, कोई बताएगा कि कुकी अपनी क्रिसलिस कब बनाएगी? शायद जल्द ही। डबल याक। कुकी मेरा लंच खा गई फिर से। और कोई नई खबर है? शिमर, कुकी ने और मेरे बेड पर अपनी स्किन छोड़ गई। मालूम है बहुत गंदगी फैल रही है। तो तुम दोनों की क्या खबर है बच्चों? बहुत अच्छी तो नहीं है। बहुत बुरी खबर है। कुकी तो बस खाए जा रही है, खाए जा रही है। हर जगह अपनी स्किन छोड़े जा रही है। उसे संभालना तो बहुत मुश्किल है। हाँ मॉम, हमें लगा था कि हम उसे संभाल लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कुकी के लिए जो भी करना था उसे तुम दोनों ने अच्छी तरह किया। अब वो अपनी देखभाल करने लायक हो गई है। लेकिन अब जाकर रिवॉर्ड मिलने से पहले छोड़ देना ठीक नहीं होगा। कैसा रिवॉर्ड? रिवॉर्ड है कुकी को एक खूबसूरत तितली में बदलते देखना। तब तो हम कुछ दिन और बर्दाश्त कर लेंगे। कुकी गंदी तो है लेकिन है बड़ी मजेदार। हे सुनो, क्या तुमने कुकी को जाने के लिए कह दिया? तुम क्या कह रहे हो? मैंने उसे अभी मेडो की ओर जाते देखा है, बहुत उदास लग रही थी। कुकी चली गए? ओ नहीं। कुकी बेचारी कुकी शायद समझ गई है कि हम उसे यहाँ नहीं रखना चाहते। हमें हर बग के साथ प्यार करना चाहिए, सारे बग से। हे दोस्तों, ये देखो, इकी कुकी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हाँ, देखो ये क्या है। वाह, कितना सुंदर है। ये तो कुकी का क्रिसलिस है। हाँ, बहुत सुंदर है ना ये। शाबाश बच्चों,
तुमने अपना काम कर दिया। अभी नहीं, तुम सब भी तो यही देखने के लिए मेहनत कर रहे थे। शिमर, मुझे नींद आ रही है। स्क्वाट, जल्दी करो, जल्दी से जाग जाओ। देखो, हेलो कुकी, तुम तो इतनी सुंदर। ये है मेरा नया रूप। मेरी इतनी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। ज्यादा परेशान तो नहीं किया। अब देखती हूँ कि मेरे पंख काम करते हैं या नहीं। कुकी, ब्लू जे से बचकर रहना। कुकी को कुछ नहीं होगा, पक्षी मिल्कवीड खाने वाली तितली को नहीं छूते। वाकई? फिर तो मैं भी ढेर सारा मिल्कवीड खाऊंगा। इससे अच्छा तो कोई चिड़िया मुझे खा लेती। अब तो मुझे जाना होगा, लेकिन मेरी ओर से ये तोहफा रख लो। ये तो हनी सकल माता लोग है। इतना हनी सकल साल भर के लिए काफी है। हाँ, अगर कोई और कैटरपिलर नहीं आया तो। तुम आराम से जाना कुकी। बाय कुकी। एडियोस, सायोनारा।